Hey guys, मेरे YouTube channel It's All About Being Passionate पे आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर ऋषिका और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा highly requested video जो कि है हैंकी टक पे सारीज में कैसे कैसे आप टक कर सकते हैं। तो बिना एक भी मिनट वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक कॉटन का लेडीज रुमाल और हमारे पहले फोल्ड के लिए आप इसे कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। मैंने हाफ फोल्ड किया, इसको और एक हाफ किया है और अब आप इसे एक और हाफ करके इस तरीके से वी बना लें और आप इसको अपने जो साइड से आपका पल्ला है यानी राइट साइड से इसके नीचे साइड आप लगा लें। ये स्टाइल आप कर सकते हैं ताकि आपका रुमाल हिडन रहे, तो इससे आपके साड़ी में रुमाल भी है और दिख भी नहीं रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसमें कैसे भी फोल्ड करके अंदर इसे टक इन कर सकते हैं। ये जो सेम स्टाइल थी जो मैंने आपको वी करके बताया था, इसे ही आप इस साइड टक कर लें। तो देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगुलर या आप वी बोल सकते हैं ऐसा आ जाता है यहाँ पर। थर्ड स्टाइल के लिए आपने इसे हाफ किया है, एक और हाफ करने के बाद इसको आप एक और हाफ करेंगे तो ये ऐसे रेक्टेंगल मिलता है आपको। आपको इसको आधा अंदर डालना है तो ये आपका छोटा सा स्क्वेयरिश बाहर रहेगा। फोर्थ स्टाइल के लिए आप इसे इसके बाद लंबा एक और हाफ फोल्ड, ये देखिए इस तरीके से, और अब आप इसका ये वाला एक हाफ पार्ट अंदर डाल दें तो इससे ये थोड़ा लंबा रहेगा ये, तो आप इसे ऐसे रख सकते हैं। पांचवी स्टाइल, हम आइसक्रीम कोन जैसा बनाएंगे तो इसके लिए आपको रुमाल को हाफ करना है, इसको एक और हाफ करना है और अब आपको इसको एक साइड से ऐसे हाफ करना है और इसके बाद एक साइड से ऐसे हाफ करना है। ये आइसक्रीम कोन की तरह है, आप इसे चाहें तो इस साइड से टक कर सकते हैं जहाँ ये ओपनिंग दिखती है इस साइड से, और आप चाहें तो इसे उल्टा साइड भी टक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एनवेलप फोल्ड, इसके लिए भी मैंने हैंकी को हाफ कर लिया है, एक और हाफ कर लिया है और अब आपको इसको दोनों साइड से, ये देखिए ऐसे छोटा पार्ट अंदर और ऐसे एक और थोड़ा पार्ट अंदर इस तरीके से डालना है। देखिए कैसा लुक आएगा इसका, सामने से ऐसा लुक आएगा और अब आपको इसे हाफ अंदर डालना है। ये हो गया आपका एनवेलप फोल्ड। मैं आपको बताती हूँ फैन फोल्ड, ये आपको अपना हैंकी ऐसे रखना है, आपको छोटे छोटे फोल्ड्स करने हैं, एक इन करेंगे फिर आप एक फोल्ड आउट करेंगे, फिर आप एक फोल्ड इन करेंगे, फिर आप एक फोल्ड आउट करेंगे, फिर आप एक फोल्ड इन करेंगे, फिर एक आउट, ऐसे इन एंड आउट करके जैसे बच्चे पेपर क्राफ्ट में पेपर से करते हैं फैन फोल्ड, ऐसा ही सिंपल फैन फोल्ड करना है आपको रुमाल से। पूरा फैन फोल्ड होने के बाद आप इसे ऐसे प्रेस कर लें और अब आपको ये करना है कि आपको इसे ऐसे आधे बीच में पकड़ना है और आपको इसे फैन को ऐसे खोल देना है जैसा आप देख सकते हैं, और अब आपको इसका हाफ पार्ट अंदर टक कर देना है और हाफ पार्ट आप इसे बाहर। तो ये हो गया फैन फोल्ड। मैं आपको बताती हूँ सिगार रोल, इसके लिए आपको हैंकी को हाफ फोल्ड कर देना है, हाफ फोल्ड करने के बाद आप इसे एक और हाफ फोल्ड कर दें और अब आपको इसको रोल करना है, एक कोई भी एंड ले ले ऊपर से और अब आप इसे रोल कर रहे हैं। आप देख ले मैं इसे रोल करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, ये देखिए इस तरीके से आपको इसे रोल करना है। आप रोल कर देंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा और आप इसे ऐसे टक कर सकते हैं। नाइन्थ स्टाइल, इसमें आपको हाफ सिगार रोल करना है, यानी जिस तरीके से आपने पहले रोल किया था वैसे आपको इसको हाफ कर लेना है, फिर किसी भी एक साइड से आप इसे रोल करना शुरू कर दें और आपको
जब हाफ वे आप आ गए हैं रोल करते हुए ऐसे, तो आपको इसे ऐसे रख के ऐसे अंदर बचे हुए को अंदर टक इन कर देना। आप इसे ऐसे टक कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जिन लोगों ने भी मुझे ये रिक्वेस्ट किया था, आई होप आपको अपनी रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड लगी हो। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थम्स अप देना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया हो तो। नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए। और रिक्वेस्ट आर ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।